भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा जेलेंस्की ने। जेलेंस्की और जो बाइडेन आज के समय चाहते हैं कि रशिया को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल से हटा दिया जाए और उसको रिप्लेस करे कोई भी और कंट्री। और इसलिए जेलेंस्की ने कहा कि कई और देश है जैसे कि इंडिया, जर्मनी, ब्राजील, जापान, ये डिजर्व करते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट। रशिया को यहाँ से हटा देना चाहिए क्योंकि रशिया एक जिम्मेदार सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है। परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल For some reason, for what reason? Not Japan or Brazil, not Turkey or India, not Germany or Ukraine. The day will come when this will be resolved. और ना सिर्फ जेलेंस्की, इसके बाद जो बाइडेन ने भी कहा कि एक रिफॉर्म्ड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बनना चाहिए और वहां पर ये बिल्कुल सपोर्ट करते हैं इंडिया को एज ए परमानेंट मेंबर। डेफिनेटली आप देखोगे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इन द फ्यूचर बड़े चेंजेस होने वाले हैं।